देख रहे हैं जेके न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं देहरादून के राजभवन में, जहां पर बसंत उत्सव 2024 का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम 1 मार्च यानी कल से और कल 3 मार्च तक रखा गया है, और जिसमें जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे काफी तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और बसंत पंचमी का ये कार्यक्रम है, तो कार्य की शुरुआत बसंत पंचमी से अक्सर लोग करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कई अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फूल नजर आ रहे होंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो फूल हैं ये किस तरीके के हैं, और जिन्होंने ये स्टॉल लगाया उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? रामदत्त। ये राजेश्वरी नर्सरी से है, ये श्री सतपाल महाराज जी की नर्सरी है। ये जो है आपके ये अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पर आपने लगाए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये फूल? मतलब ये हमने लगाया है पेंजी, पिटूनिया, डायंथस, डहलिया। इसमें हमने एक न्यू वैरायटी लगाई है थाई डहलिया, और एक हमने जो स्टॉक की वैरायटी है वो न्यू लगाई है, एक हमने सिनेरेरिया की वैरायटी वो न्यू लगाई, बाकी तो पेंजी, पिटूनिया, डहलिया, बाकी जो कॉमन वैरायटी होती है हर साल वो लगी हुई है। तो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाइए, हनी यानी शहद यहाँ पर आपको देख रहा है, लीची का जो है शहद। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा है क्या यहाँ पे। सर आपका नाम? मैं राजे कुमार सैनी, चेयरमैन ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान। ये जो आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है बेसिकली किस चीज का स्टॉल ये है? ये देखिए, हम लोग बेसिकली बी कीपर है, मधुमक्खी पालक हैं, और हम लोग मधुमक्खियों को अपनी अलग अलग एरियाज में, जैसे जहाँ अजवाइन होती है खेती होती है वहाँ अजवाइन हनी प्रोड्यूस होता है, जहाँ धनिया की खेती होती है वहाँ धनिया, जहाँ सरसों की होती है वहाँ धनिया, जहाँ यूकेलिप्टस के जंगल है वहाँ यूकेलिप्टस आता है। तो हम अपनी मधुमक्खियों को डिफरेंट एरिया में माइग्रेट करते हैं, तो वहां से वो अलग अलग तरह का हनी आता है, वही हनी जैसा नेचर ने दिया है वही हम कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता तक पहुंचे और उनको स्वास्थ्य लाभ हो। हनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अजवाइन हनी है पेट के लिए अच्छा होता है, जामुन हनी डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा होता है, सनफ्लावर हनी वेट कम करने के लिए अच्छा होता है, कड़ी पत्ता हनी हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे हर हनी के अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सर ने हमें बताया शहद के फायदे, और इन्होंने बताया कि कितने अलग अलग तरीके के शहद जो हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं, और कैसे वो जो भी हेल्थ की जो चीजें हैं, जैसे हेल्थ का कोई इश्यू होता है उसके लिए वो आप ले सकते हैं। वो सिर्फ एक तरीके का शहद यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके का शहद यहाँ पर बेच रहे हैं। और अभी हम एक और स्टॉल पर यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ये दाल कुछ है, और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे और कि क्या स्टॉल ये है, किस चीज का है और कितना बेच पाए हैं। सर आपका नाम? निखिल। जो स्टॉल आपने यहाँ पर लगाया है ये बेसिकली किस चीज का है पूरा? मैम हिमोतान सोसाइटी देहरादून से है, और उसी के जो है प्रोडक्ट हैं सभी जगह हमारे क्लस्टरों में जो है। ये एक तो त्रिशूल प्रोड्यूसर कंपनी करके एक ब्रांड है हमारा, तो उसके थ्रू जो है हम लोकल एग्री प्रोड्यूसर जो उसको हम कलेक्ट करके मार्केट करते हैं। दूसरा हनी का है हमारा पहाड़ी उत्पाद स्वयं सहकारिता माल, ये जो हमारी लाल तप्पड़ में हमारा प्लांट है, तो उसके माध्यम से हम हनी प्रोसेसिंग करके जो है मार्केट करते हैं। 3 दिन का इवेंट है, आज दूसरा दिन है। आप जैसे आपने बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अभी तक कितने लोगों तक लगभग आप ये जानकारी पहुंचा पाए और कितने लोगों तक अपना प्रोडक्ट आप दे पाए अभी तक? अभी तक मैम जितने भी लोग आ रहे हैं, कुछ नई चीजें देख रहे हैं हमारे इक्विपमेंट वगैरह, तो इंटरेस्टेड सभी हैं और जानकारी लेते रह रहे हैं हमसे, तो जो भी लगभग जितने लोग भी आ रहे हैं सभी को हम जानकारी दे रहे हैं। ये कार्यक्रम जो 3 दिन का रखा गया है, इस पर हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात करी, चाहे फूल के बारे में हो चाहे शहद के बारे में हो, और लोगों से जाना कहीं ना कहीं हेल्थ के लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर लोग ले रहे हैं, और जो काफी अच्छी बात है। जैसे कि आपने देखा अभी हम हनी जो है वहाँ पर बात कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के शहद वो वहाँ पर बेच रहे हैं और जो हेल्थ पे कैसे आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे कि आप पीछे पूरा देख पा रहे हैं काफी बड़ा इवेंट ये है, 3 दिन का रखा गया है और काफी भीड़ हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और बच्चे जो है चारों तरफ आपको दिखेंगे, स्कूल्स के कॉलेजेस के इवेंट बड़ा है, और एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी बच्चों के लिए यहाँ पे रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, बच्चों के लिए भी कई चीजें यहाँ पे करी गई हैं। और जैसे कि आप मेरी पीछे पूरी देख पा रहे होंगे कि कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर अभी मौजूद है। आइए यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस चीज का जो है ये भी यहाँ पर उन्होंने लगाया। हनी का हमें बहुत ज्यादा स्टॉल देखने को मिला है अभी तक, शहद का अगर हम बात करें, अभी हमने 2 लोगों से बात करी, उनमें से दोनों लगभग शहद। मैम मेरा नाम अनिल विस्ट है। इवेंट है यहाँ पर आपने ये स्टॉल्स लगाए हैं, बेसिकली किस चीज का आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया? हमारा बेसिकली हनी का काम है, बीज और बीज प्रोडक्ट का काम है, और हमारा 92 से चल रहा है। हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी था, उसको इंडिया में फर्स्ट टाइम SGS से ही सर्टिफाइड हुआ था,
तो 92 में पहला हनी ऐसा था इंडिया में कि जो हमने सर्टिफाइड कराया था. हमारा वाइल्ड फॉरेस्ट, हमारा बेसिकली तीन बीज का हनी होता है, मेलिफेरा जो कॉमर्शियल जो सभी करते हैं, और एक होता है हमारा एपिसेराना इंडिका का जो नेटिव बीज है इंडिया की, और एक होती है डॉर्सेटा जिसको रॉक बीज के नाम से भी जानते हैं उस पर भी. और रॉक बीज और एपिसेराना का हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आता है जी. तो ये जो ऑर्गेनिक हनी के बारे में इन्होंने हमें यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ की ओर एक बहुत बड़ा स्टेप है ये. उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक हनी में उनका जो है सर्टिफाइड हनी वो यहाँ पर बेच रहे हैं. इसी के साथ कैमरामैन प्रभात के साथ अंजलि मैखुरी जी के. रुड़की में विभिन्न मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गए. उन्होंने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीपीएल कार्डों में नई यूनिट जोड़ने की अनुमति दी जाए. विकलांग, वृद्ध, गरीब और विधवाओं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनके नए कार्ड बनवाए जाएं. जिन लोगों के कार्ड नवीनीकरण के नाम पर जमा कराए गए हैं उन कार्डों को वापस धारकों को दिया जाए और उनका दे सुविधाएं पिछली तिथि से दी जाएं. नई लोग पैदा हो रहे हैं उनके नाम जुड़ नहीं रहे हैं, नए कार्ड बिल्कुल बना रहे हैं ग्राम प्रधान इत्यादि. गरीब उनके घर पर पहुंचता है वो सब लोग परेशान हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के सारे सामाजिक कार्यकर्ता परेशान हैं, नए कार्ड बना नहीं रहे हैं. और कुछ कार्डों को पहले इन्होंने जब्त कर लिया, बुला लिया, कहा नवीनीकरण करेंगे, उनको वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्ड खोजते फिर रहे हैं. और एक काम और एक महापाप कर दिया हमारी सरकार ने, जो पट्टा धारक थे उनका नियमितीकरण किया. इंदिरा जी के समय में से ये पट्टे मिले थे, उन सारे पट्टा धारकों के पट्टे निरस्त करके उनके ऊपर जो है इन्होंने उत्पीड़न की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. तो इन मांगों को लेकर के कि इसको बंद करो और बीपीएल कार्ड धारकों के नए कार्ड बनाओ, नए नाम जोड़ो और पुराने कार्डों को वापस करो और जो पट्टा धारक हैं उनका उत्पीड़न समाप्त करो, ये मांग. हम उनकी मांग के साथ हैं, उनके लड़ाई के उनके संघर्ष के साथ हैं. और हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि आपने यदि चुनाव के आखिर तक ये चुनाव के दौरान नहीं किया तो चुनाव समाप्त होने के बाद जो है हम सीधे मुख्यमंत्री के घर आंगनबाड़ी भोज माताएं आशाएं आदि की बहनों की मांग को लेकर. देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में यमकेश्वर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लगातार दूसरे दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं. इस तरह से अब तक 9000 से अधिक दूसरे दलों के कार्यकर्ता भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं. इस मौके पर भाजपा विधायक रेणु बिश भी मौजूद रही. कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वे भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं. विनायक नेगी जी स्वागत है आपका. बोलो विनायक. हम लोगों को एक चाहिए ना, जैसे थोड़ा आज हमारे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेणु बिष्ट जी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े हुए अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सत्ता ली है और ये कुल्लू हमारा बढ़ता जा रहा है. 9700 की सदस्यता की कल रात्रि तक की सूचना थी, ये संख्या भी जुड़ेगी आज की, और मुझे लगता है कि कल परसों में और भी हम मेंबरशिप करें सदस्यता करने वाले हैं. इसके बाद 4 से लेकर जो मुख्यमंत्री जी का मेरा प्रवास है उसमें भी हमने जो बूथ स्तर तक के दूसरे दलों के लोग हैं उनको जोड़ने का क्रम बनाया हुआ है. तो मुझे लगता है हमारा प्रयास है कि हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम बड़ी संख्या में सदस्यता लोगों को दिलाएंगे. ऐसा लगता है कि जो चुनाव आते आते ये संख्या 10,000 से ऊपर जाएगी, ऐसा हमने लक्ष्य को निर्धारित किया. आज हमारे यमकेश्वर क्षेत्र के जितने भी दुगड्डा क्षेत्र से आए हुए लोग जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनकी ये इच्छा जाहिर हुई कि कांग्रेस की कार्यशाली और भाजपा की कार्यशाली को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने जो जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं उनका जो कार्य करने का
जो तजुर्बा है उसको देखते हुए उन सब की इच्छा हुई कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, तो उनको लेकर के मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और वो मैंने ये भी देखा है कि वो ही नहीं, हमारी विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक से लोग बहुत इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी में आए और पार्टी के लिए काम करें। तो इसमें अभी तो एक दुगड्डा के ही शामिल हुए हैं, अभी दो ब्लॉक और हैं इसमें, यमकेश्वर है, द्वारिखाल है, द्वारिखाल से भी लोग आने को तैयार हैं, यमकेश्वर से भी काफी लोग जो कांग्रेस से संबंधित रखते थे वो भी आने को तैयार हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक चुनाव आते आते तो कई हजार लोग हमारे इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से आसपास ही विस्थापित किए जाने की मांग की है। पिछले साल जब जोशीमठ में लोगों के घरों में दरार आने के बाद सरकार ने पूरे क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित किया था, तो उस वक्त 1200 घरों को इसके लिए चिन्हित किया गया था। उस वक्त आपदा सचिव ने जल्द विस्थापन किए जाने की बात कही थी। अब एक लंबा वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक स्थानीय लोगों का विस्थापन नहीं हो पाया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने देहरादून में कहा कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि जोशीमठ के लोगों को जोशीमठ के नजदीक विस्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी 11 बिंदुओं पर बातचीत पर सहमति बन गई थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो डेंजर जोन के लोगों को बसाने के लिए जमीन चिन्हित कर रही है वे जोशीमठ से काफी दूर है। ऐसे में उन्होंने सरकार से अपील की है कि जहां वे निवास कर रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्र में ही उनको बसाया जाए। देखिए, आपदा सचिव ने जोशीमठ में आकर के मीटिंग की और ये ऐलान कर दिया कि 1200 परिवार डेंजर जोन में आ गए। डेंजर जोन का मतलब है उनके मकान, जमीन सब भूस्खलन में है और वो स्थिर नहीं है और वो वहाँ पर रहने लायक नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि आपने डेंजर जोन तो घोषित कर दिया है, पर उनके पुनर्वास का, विस्थापन का क्या होगा, वो जाएंगे कहाँ? सरकार पहले तय करे जो स्थान संघर्ष समिति ने दिए हुए हैं उन स्थानों पे वो हमारा रिहेबिलिटेशन करे, हमारा पुनर्वास करे और हमको उन सुरक्षित स्थानों पर जोशीमठ के आसपास ही बसाए। हम लोग जोशीमठ के लोग जोशीमठ से बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बमोत में चले जाएंगे या कहीं बाहर चले जाएंगे या जहाँ हाँकोगे वहाँ चले जाओगे। ये सरकार का डंडा नहीं है कि वो जहाँ हाँकेगी वहाँ लोग चले जाएंगे। हमारे हक हकूक है, देवी देवता है, जल जमीन जंगल है, चारधाम यात्रा है, हमारा अपना जो है वहाँ का रख रखाव है, तो हम वहाँ छोड़ करके क्यों जाएंगे कहीं? भाई कहीं जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से जो डेंजर जोन में उन्होंने घोषित किया है कौन कौन परिवार आ रहे हैं उनके पास सारा लिखा जोखा है, तो उनका जमीन और मकान का वो पैसा दे और हमारा पुनर्वास जोशीमठ के आसपास ही करे। और बड़ी बात क्या है, जो वहाँ पर रिसाव हो रहा है, जो भूस्खलन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है NTPC। तो NTPC तो सेफ जोन में है और जहाँ रिहायशी बस्ती है, जहाँ लोग जनता रहते हैं, जहाँ हमारे लोग रहते हैं, वो डेंजर जोन में आ गया है। तो इनकी सर्वे पे भी हमको डाउट हो रहा है। हम लोग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले साल 1.5 साल से लगातार जोशीमठ आपदा को लेकर के संघर्ष में है, लड़ रही है। उस आंदोलन के बाद जो है मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई है, कुछ सहमति के बिंदु बने, लेकिन वो जो 11 बिंदुओं पर सहमति हुई उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा सरकार जो है विस्थापन पुनर्वास को लेकर के जो जगह चिन्हित कर रही है वो जोशीमठ से बहुत दूर है और हम लोग वहाँ जो है हम परंपरा से, आस्था से, कृषि से, व्यवसाय से जोशीमठ से जुड़े हुए हैं और जोशीमठ से हमारे और अन्य हित हैं, सामुदायिक हित हैं, सामाजिक हित हैं, लिहाजा हम जोशीमठ को छोड़ के जाना नहीं चाहते। हम पूर्व में भी जोशीमठ के आसपास ही 4-5 जगहें सरकार को सुझाव दे चुके हैं कि यहाँ विस्थापन किया जा सकता है, किंतु जो है सरकार उस पर विचार करने को तैयार नहीं है। कल फिर से जो है आपदा प्रबंधन सचिव से मिल करके और राज्य के मुख्य सचिव से मिल करके हमने उन जगहों का प्रस्ताव दिया। ये कहा कि जोशीमठ में जो है भूमि का मूल्य तय किया जाए, जोशीमठ के आसपास लोगों को बसाया जाए। इस पर कल सकारात्मक बात हुई और हमें अपेक्षा है कि इस पर कुछ होगा। नहीं होगा तो हमारा जो आंदोलन है, संघर्ष है, लड़ाई है, वो जारी है। खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए। है कि 1.5 हेक्टेयर भूमि का कारगी ग्रांट में कब्रिस्तान के लिए दी गई, जिस पर MDDA का कोई भी मालिकाना हक नहीं है। बावजूद इसके MDDA के अधिकारियों ने कब्रिस्तान पर सड़क का टेंडर पास कर डाला,
जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देहरादून के कारगी ग्रैंड मुस्लिम बस्ती स्थित विजिलेंस कार्यालय के समीप बस रही उत्तराखंड सचिवालय समिति के गोलमाल और जमीन हड़पने के मसूड़े को अमली जामा पहनाने के लिए पदों का अनुचित उपयोग कर इसको परियोजना का नाम देकर एक बड़े जमीन स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अनुपम खत्री ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम के नाम की आड़ लेकर सचिवालय समिति वाले अपनी बिना संपर्क मार्ग वाली अवैध प्लांटिंग को बात करने में डटे हुए हैं। सर, इसमें विषय बड़ा ही गंभीर है। एक भूमि भूखंड में एक सचिवालय आवास समिति नाम से कॉलोनी काटी जा रही है, उसको सचिवालय समिति वालों के लिए बताया गया, जिसके लिए संपर्क मार्ग मांगा जा रहा था। तो वहाँ जहाँ से संपर्क मार्ग निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, वो स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान है, उनकी आपत्ति दर्ज है, उनकी मांग है इसमें सीमांकन कर दो, जिसको विभाग करने से लगातार कतरा रहा है। और सबसे गंभीर बात इसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा का वो हवाला देके जो जिसपे ये पूरा काम हुआ है, टेंडर पास हुआ है, उस घोषणा की जब हम सत्यता जानी तो हमें पता चला कि घोषणा का डायरेक्शन आवास विभाग को है, वहाँ से हस्तांतरित करने की बात की गई है। जबकि रियलिटी ये है कि वो प्रबंध में पहले से ही MDD के है, तो मुख्यमंत्री साहब उसे गलत विभाग की तरफ कैसे भेज सकते हैं? और अगर इनकेस ये मानवीय त्रुटि से हो भी गया है तो उसके संदर्भ में कोई पत्राचार कहीं भी मिला नहीं है कि आपस में हुआ हो। 17 दिसंबर 2021 की ये घोषणा बताई जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मपुर में दी, जबकि स्थानीयों को कहना है कि वो उस तारीख को हमारे क्षेत्र में कहीं आए नहीं थे। तो क्या ये टेबल पे बैठ के सचिवों के साथ हुआ है प्रस्ताव पारित? अगर ऐसा भी है तो ये बात कैसे मुख्यमंत्री जी से छुप गई कि वहाँ पे कब्रिस्तान है? 2014 की त्रासदी में जब वहाँ पे नाले में पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तब वहाँ कब्रें बही थी, उसकी खबरें भी छपी थी। वहाँ का तंत्र जो मुख्यमंत्री साहब के साथ इसमें लगा है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो उनको विकास के लिए नए नए आइडिया देने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी अधिकारी गण है, जो प्राधिकरण के लोग हैं, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर। रुड़की में उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री महिलाएं रुड़की के बोट क्लब से पैदल हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर SCM को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार से मांग रखी है कि या तो उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या वेतनभोगी बनाए जाए। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 9,300 का मानदेय मिलता है, जहां 3 से 4 घंटे की ड्यूटी होती है, उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है, जहां सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है, ऐसे में जब महिला सशक्त नहीं होगी तो कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती कार्य बहिष्कार रहेगा। उन्होंने कहा कि वैसे सरकार से पूरी आशा है कि उनकी मांग सरकार जरूर सुनेगी। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज निर्णय नहीं आता तो कल दिल्ली कूच किया जाएगा। बहनों को इतना आक्रोश है कि हमें 9,300 का मानदेय मिल रहा है, हम लोग हमारी ड्यूटी तो 4 घंटे 5 घंटे की होती है, लेकिन हमें 24 घंटे काम सरकार देती है। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि सरकार कम से कम जब नारी को सशक्त बनाया है, तो हम तो सशक्त है नहीं, तो कैसे हमारा सशक्त बनेगा, है ना। और कहते हैं कि हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं। सर, जब हमारी रीढ़ की हड्डी में पोषण ही नहीं है, वो कमजोर है, तो फिर वो कहाँ से साहस करेगी। हमारा केंद्र सरकार से सर यही है कि हमें पहले हमारे 2 मांगे ये हैं कि हमें राज्य कर्मचारी बनाओ या फिर हमें वेतन भोगी बनाओ, क्योंकि जो मजदूर होता है ना सर, वो भी 600 रुपये की मजदूरी लेता है एक दिन, ये वो 600 से 800 रुपये तसला ढोने वाला। सरकार हमें ये बताए कि हम लोग कर्मचारी हैं, वेतन भोगी हैं, या फिर हम मजदूर हैं, क्योंकि हमें मजदूरी भी सरकार नहीं देती है। और जो बहनों को 9,300 दिया जाता है, उसमें 100 रुपये कट जाता है, उसके लिए जो ढुलान है, गेहूं चावल है, वो सस्ते गल्ले की दुकान से आता है, 400 रुपये लड़कियां लेकर के वहाँ से राशन ढुलान करती हैं, अंडा चिप्स आता है वो ढुलान करती हैं लड़कियां। सारी योजनाएं जब हमारी आंगनवाड़ी बहनें सरकार को दे रही हैं, तो सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या स्टैंड है सर? हमारा यही कार्य बहिष्कार है। और कल सर, कल हमारा अगर सरकार निर्णय ले लेती, वैसे हमें अपनी सरकार से उम्मीद है सर, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें अपनी सरकार से उम्मीद है, क्योंकि हमारी सरकार तक बात पहुंच रही है, हमारी बहनों की, और हमें उम्मीद है, और हमारा कल दिल्ली कूच होगा सर। अगर आज निर्णय आया तो कल दिल्ली कूच करेंगे? आज निर्णय आ जाएगा तो सर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज निर्णय नहीं आया तो सर कल का है हमारा।
ये मांगे हैं कि हम लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर को और सहायिकाओं को बहुत न्यूनतम से भी न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। मानदेय को हम लोगों को ये कहते हैं कि हमें मानदेय नहीं लेना है। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।